सदियों से ब्लैक होल को केवल एक वैज्ञानिक आकर्षण माना जाता था। कई लोग तो इनके एग्जिस्टेंस पर बिलीव ही नहीं करते थे, और भला करे भी क्यों, जब हमने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है तो उस पर भरोसा क्यों करे। लेकिन फिर आता है दुनिया के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन, जो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रख देता है, और वो कोई और दिन नहीं बल्कि वो होता है 10 अप्रैल 2019। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस दिन का अहमियत पता ही होगा, और आप भी मेरी तरह बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। परंतु क्या आपको पता है कि इस मिशन में वैज्ञानिकों ने अपने कितने सालों का मेहनत डाला है, और किस प्रकार उन्होंने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, आइए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। इन सब की शुरुआत होती है साल 1784 से, जब एक इंग्लिश फिलोसोफर जॉन मिसेल के दिमाग में एक ऐसा ऑब्जेक्ट का ख्याल आता है जिसका एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक हो। परंतु उस समय ये सब एक मजाक माना गया था। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह बताया कि ग्रेविटी प्रकाश के मोशन में इन्फ्लुएंस करती है, यानी ग्रेविटी प्रकाश के रास्ते को बेंड कर सकती है। और फिर साल 1919 में मई 29 को हुए टोटल सोलर इक्लिप्स में सर आर्थर एडिंगटन ने आइंस्टाइन के जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट किया, जिसे आज हम जानते हैं एडिंगटन एक्सपेडिशन के नाम से। उन्होंने देखा कि वाकई में सूरज की ग्रेविटी दूर से आने वाले तारों की रोशनी को बेंड करता है। इसके बाद जॉन मिसेल का वो हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट भी मुमकिन सा लगने लगा, परंतु वो ऑब्जेक्ट कोई तारा नहीं हो सकता था। साल 1915 में ही कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन के जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर एक पॉइंट मास के ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्क्राइब किया, और इस पॉइंट के रेडियस को कहा गया श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, जिसे बाद में सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया, यानी एक ऐसा पॉइंट मास जिसकी ग्रेविटी इनसेनली हाई हो, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक हो। परंतु खुद आइंस्टाइन भी ये मानते थे कि शायद ये प्रकृति ऐसा मुमकिन होने नहीं देगी। लेकिन कुछ समय बाद जब वैज्ञानिकों ने हमारे सूरज से कई हजारों गुना मैसिव तारों के अंतरिक्ष में खोज की, तब उन्हें ये लगने लगा कि शायद ये सिंगुलैरिटीज मुमकिन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि हम ऐसे पॉइंट मैसेस यानी सिंगुलैरिटीज को तो देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो रोशनी को भी खुद से बाहर निकलने नहीं देगा। और इसी वजह से हम दशकों से अपने टेलीस्कोप्स के जरिए ब्लैक होल्स के कारण उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा करते थे, जिससे हमें किसी ब्लैक होल के होने का अनुमान होता था। परंतु फिर आया दौर विजिबल लाइट से हटकर अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखने का, और इसी दौर में जब एक डच एस्ट्रोनॉमर मार्टिन स्किमिथ एक रेडियो सोर्स 3C273 की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि वास्तव में क्वेजार था, उन्होंने सोचा कि ये कोई बहुत ही ज्यादा मैसिव स्टार होगा। परंतु उन्होंने अनजाने में ही खोज किया था एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े विशालकाय ब्लैक होल्स को कहा जाता है, जो हमारे सूरज से कई अरब गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ठीक ऐसा ही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बसा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में, जिसका नाम है सेगिटेरियस ए। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के पास इतनी अधिक शक्ति होती है कि ये अपने आसपास के सारे धूल, पिंड, गैस, सितारे, सभी चीजों को बेहद तेजी से अपनी ओर खींचता है। ये धूल और गैस बहुत ही तेजी से इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूमने लगते हैं, इतनी तेजी से कि इनमें इतनी तेज घर्षण होती है कि ये गर्म होकर ग्लो करने लगते हैं। ये हमारे सूरज से भी कई लाख गुना ज्यादा गर्म और चमकीले होते हैं, और हमारे लिए ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक सुहाना अवसर बनता है, क्योंकि इसकी इसी ग्लोइंग डिस्क से, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, के जरिए हम ब्लैक होल्स को देख सकते थे। इनके ऑब्जर्वेशंस के जरिए हमने ब्लैक होल्स के कई आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस बनाए हैं, जिसे आज तक हम देख रहे थे, परंतु हमने अभी तक इसकी रियल इमेज नहीं देखी थी, क्योंकि सबसे पास के सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखने के लिए भी हमें कम से कम हमारे पृथ्वी जितने बड़े टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसे बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हम भी कहां हार मानने वाले थे। 1960 के दशक के अंत में धरती के अलग अलग हिस्सों में बसे कई सारे रेडियो ऑब्जर्वेटरीज को आपस में एक टीम की तरह जोड़ा गया, जिसका नाम दिया गया वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री, यानी VLBI। ये सारे रेडियो टेलीस्कोप्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़े वर्चुअल टेलीस्कोप के जैसे काम करते हैं, और साल 2009 में इन्हीं रेडियो ऑब्जर्वेटरीज में से 8 ऑब्जर्वेटरीज को आपस में मिलाकर एक नया टेलीस्कोप एरे बनाया गया, जिसे नाम दिया गया द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। ये 8 ऑब्जर्वेटरीज मिलकर एक साथ एक वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप के रूप में काम करते हैं, और इस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का सिर्फ एक ही मकसद था, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की रियल तस्वीरें लेना। और ये कोई आसान काम नहीं होने वाला था, क्योंकि एक तो हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींचने जा रहे थे जो कि डायरेक्टली दिखता ही नहीं है, और दूसरी बात वो चीज हमसे करीबन 5,50,00,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। लेकिन इस मिशन के लिए मेसियर 87 के सेंटर में स्थित इसी सुपर मैसिव ब्लैक होल को क्यों चुना गया? इसका पहला रीजन था कि इसके पास एक एक्रीशन डिस्क है, और दूसरा ये कि ये इतनी पावरफुल है कि इससे नैरो कोलिमेटेड जेट्स बाहर निकलते हैं, जिनमें से एक जेट करीब करीब सीधे हमारी ओर ही फेस करती है।
और चूंकि ये जेट करीब करीब हमारी ओर फेस कर रहा है, इसलिए ये ब्लैक होल का एक्रीशन डिस्क हमारे दृष्टिकोण से परपेंडिकुलर होगा। यानी इस ब्लैक होल की हम सीधे इमेज ले सकते हैं, लेकिन इस ब्लैक होल के केवल एक तस्वीर को खींचने में करीब 200 से ज्यादा रिसर्चर्स की टीम, 8 रेडियो ऑब्जर्वेटरीज तथा 2 साल की कड़ी मेहनत लगी थी। परंतु इन 2 सालों से पहले भी, यानी साल 2009 में जब से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन की शुरुआत की गई थी, तब से लेकर साल 2017 तक वैज्ञानिक कंटिन्यूअसली इस रेडियो टेलीस्कोप नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा एक साथ काम करने के लिए तैयार कर रहे थे। और फिर 5 अप्रैल 2017 को फाइनली इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को अपने काम में लगा दिया जाता है। और फिर 2 साल के अथक परिश्रम के बाद हमें मिलता है ये है इंसानी सभ्यता की एक सबसे बड़ी कामयाबी, फर्स्ट एवर रियल इमेज ऑफ ए ब्लैक होल। और मुझे यहाँ सबसे अच्छा बात ये लगा कि ये रियल इमेज भी काफी हद तक हमारे इलस्ट्रेशंस के समान ही है। यहाँ आप ग्लो करती हुई एक्रीशन डिस्क को ब्लैक होल के चारों ओर देख सकते हो, और ये जो काला हिस्सा है ये है ब्लैक होल की शैडो। इस ब्लैक होल के इमेज को लेने के लिए कुल रिकॉर्डेड डेटा था 27 पेटाबाइट्स का, यानी 27 लाख गीगाबाइट्स की स्टोरेज। इन सारे कलेक्टेड डेटास को जो हार्ड ड्राइव्स में स्टोर किए गए थे, उन्हें यूएसए में स्थित MIT हैशटैग ऑब्जर्वेटरी तथा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी जर्मनी में ले जाया गया, जहां 800 कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड थे 40 GB/s के स्पीड के नेटवर्क से में एनालाइज किया गया। अब आप सोच सकते हो कि ये काम कितना मुश्किल था, परंतु हमने केवल मेसियर 87 के ही नहीं बल्कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में बसे सुपर मैसिव ब्लैक होल की भी तस्वीरें ली हैं। आज अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन और प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग जिंदा होते तो माहौल वाकई जश्न भरा होता। हम ब्लैक होल के प्रति उनके योगदान को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ब्लैक होल के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।